लाल लाल टमाटर, लाल लाल टमाटर जैसे गाल बालों बंदरा, ये टोपा लगाए बंदरा। ए भैया एक एक लोग मरना, क्योंकि मैं ताजा ताजा मांस बहुत खाता हूं। सुन रहे हैं ना आप इसकी बातों को? ये हमें खा जाने की बात कर रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि अब भा मरण हो और सब तो हम जाना, अब हमारा मरना सुनिश्चित तो हो गया, क्योंकि ये हमें खा जाने की बात कर रहा है। लेकिन तात हनुमान जी, आज हमें इस पक्षी को देख करके उस पक्षी की याद आ रही है जो पंचवटी में रह रहा था, तभी तो आज हमें कहना पड़ा कि धन जटायु और शंख होना ही, अरे जटायु के समान कोई दूसरा पक्षी नहीं है। अरे जिसने प्रभु श्री राम काज के लिए अपने प्राणों का प्रत्याग कर दिया, धन हो जटायु तुम, धन हो। सुनी खग हरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपिल भय मानी। ए उधर का जटाई जटाई कर रहे, इधर आओ मेरे पास आओ। अरे हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, यदि हम तुम्हारे पास में आए तो तुम हमें खा जाओगे। अब ना खाऊंगा, आ जाओ। हम कैसे विश्वास करें? आ तो कैसे का करो, तुम श्री राम जी की सौगंध खाओ कि हम किसी को नहीं खाएंगे। आओ खाता हूँ। किसको? तुझको। तो हम नहीं आएंगे जब तुम हमें खाओगे तो। अरे ना खाऊंगा, आ जाओ आ जाओ। वैसे ये गिद्ध है और गिद्ध कभी जिंदा मांस नहीं खाता है। आओ कोई हानि नहीं है। आओ 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 आओ। क्या हुआ, क्यों बुला रहे हमें? ए तुम जटायु जटायु कह रहे थे, जटायु कहाँ है? जटायु? हाँ। जटायु तो इस संसार सागर को सदैव सदैव छोड़ करके चला गया। प्रभु श्री राम काज में उसने अपने प्राणों का प्रत्याग कर दिया। जटायु मर गया? हाँ। अरे ये क्या कर रहे हो? रो रहा हूँ, देख रहे रहा है क्या तुमको? रो रहे हो? हाँ। लेकिन क्यों रो रहे हो? इसलिए कि जटायु मेरा भाई है। जटायु तेरा भाई है? अब भाई ने तो कहा भौजाइया। हम कैसे विश्वास करें कि जटायु तुम्हारा भाई है? वो इतना धर्मात्मा, तुम इतने पापाचारी दुराचारी। वो बहुत धर्मात्मा था, वो यज्ञ कराता था, मैं यज्ञ में ध्वंस करता था। वो तुम सत्य कह रहे हो कि जटायु तुम्हारा भाई है? हाँ, वो साधुओं की सेवा करता था, मैं क्वार्टर लगाता था। तो इतने दुष्ट थे? हाँ, मैं क्वार्टर लगा करके झूम झूम कर गिरता था। तो तुम उसके भाई कैसे हो सकते हो? अरे हमारे एक ही पिता है ना। तुम सत्य कह रहे हो? सत्य कहा? सत्य कह रहे हो जटायु तुम्हारा भाई है? हाँ, जटायु मेरा भाई है। यदि ऐसा है तो जटायु तो इस संसार सागर को छोड़ करके चला गया, मर गया, और उसके परिवार में और कोई है नहीं है। तुम कह रहे हो कि तुम भाई हो? हा? तो अपने भाई का धर्म निभाओ, अपने भाई की तिलांजलि अर्थात पिंडदान कर दो। पिच्छदान? पिच्छदान नहीं, पिंडदान। आओ कैसे करना है? ये बांदरी कुसा है, इसे ले लो। ये बांदरी कुसा है? हाँ, ये बांदरी कुसा है। बांदरी कुसा की पोलियो ड्राप का इंजेक्शन। अब जैसे जैसे हम मंत्र बोलेंगे, तुम्हें वैसे वैसे ही बोलना है। जैसे जैसे तुम कहोगे वैसे वैसे कहना है। हाँ, वैसा ही कहना है। हाँ, वैसा ही कहना है। ये नहीं कहना अभी, ये नहीं कहना अभी। अभी हमने मंत्र नहीं शुरू किया। अभी हमने मंत्र नहीं शुरू किया। नहीं मानोगे क्या? नहीं मानोगे क्या? अरे पिंडदान नहीं करवाऊंगा। पिंडदान नहीं कराऊंगा? किसका पिंडदान करवाएगा तू? किसका पिंडदान करवाएगा? अरे तेरा भाई मरा है। अरे तेरा भाई मरा है। जटायु तेरा भाई है। जटायु तेरा भाई है। जटायु मेरा भाई है। जटायु मेरा भाई है। पक्षी तो हो? पक्षी तो हो। मैं पक्षी हूँ? मैं पक्षी हूँ। मैं बंदर हूँ? मैं बंदर हूँ। मान जाओ? मान जाओ। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे। मैं चला जाऊंगा? मैं चला जाऊंगा। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है भैया। भैया जटायु तुम्हारा भाई है? जटायु तुम्हारा भाई है। अरे पिंडदान तुम्हें करना है ना? पिंडदान तुम्हें करना है ना? देखो मान जाओ। देखो मान जाओ। अभी मंत्र नहीं शुरू किया है। अभी मंत्र नहीं शुरू किया। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे। तात हनुमान जी, तात हनुमान जी, इसकी आप चोंच पकड़ें, इसकी चोंच पकड़ लीजिए। जब तक हम मंत्र शुरू ना करें तब तक इसकी चोंच ना छोड़ो। चोंच छोड़ो, चोंच छोड़ो, चोंच छोड़ो। अब बोलो पिंडे पिंडे पिंडा, पिंडे पिंडे पिंडा, पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तीन कैसे प्राणी?
एक तुम्हारा भाई हो गया, दो तुम्हारी माताएं हो गई। मैं कहां जाऊंगा? अभी तुम जिंदा हो, लागा मैं मोरो कर दे, परेशान ना हो ना, मैं ही आऊंगा लोटा ले। हाँ तो यही अच्छा धक्का भाई पस रहे यार। बोलो पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंड, पिंडा ऊपर तीन प्राणी, पिंडा ऊपर तीन प्राणी, तुम लियो जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी, तुम लियो जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी, तुम लियो जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। अब ये बताओ, हाँ, तुम्हारा भाई पंचवटी में निवास करता था, तुम यहाँ समुद्र के किनारे, तुम दोनों भाइयों में इतनी दूरियां कैसे? भैया एक समय हम एक शिला पर बैठे थे दोनों भाई, अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आ गई। हमारे पिताश्री का नाम है अरुण देव, ठीक, जो सूर्य देव के रथ चलाया करते हैं। हाँ। जैसे ही हमें अपने पिताश्री की याद आई तो हम दोनों भाइयों ने निश्चित किया कि चलो आज पिताश्री से मिलकर ही आएंगे। तो गीतों की तीन उड़ानी होती है, धरात्रीय, अर्ध धरात्रीय और आकाशीय। तो पहली उड़ान भरी, उड़ते 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 कहाँ पहुँचे? उड़ते 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 बहुत सुर में उड़ रहे हो, उड़ते कहीं पहुंचे कि उड़ते ही रहोगे? ये पहली उड़ान है। अच्छा दूसरी उड़ान, उड़ते 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 अब कहां पहुंचे? ये दूसरी उड़ान जैसे ही सूर्य के नजदीक पहुंचे तो मेरे भाई को गर्मी सताई। फिर वो बोला भैया चलो यहाँ से वापस चलते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है। मैंने कहा नहीं, बिना पिताश्री से मिले वापस नहीं जाएंगे। वो वहां से लौट आया, फिर क्या हुआ? लेकिन मैं अभिमानी, हाँ, किसी की बात न मानी, लग रहा है। फिर क्या हुआ? फिर आगे बढ़ा। अच्छा जैसे ही कुछ दूर उड़ते 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 समुद्र के बिल्कुल सूर्य के नजदीक पहुंच गया। सूर्य के नजदीक पहुंचा तो सूर्य के ताप की वजह से, गर्मी की वजह से, ज्यादा तेज गर्मी के कारण मेरे पंख जल गए, जल गए, भोरभोरा गए, मोरभोरा गए। तो मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ, तो मैं लुढ़कते 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 समुद्र के किनारे बदा पड़ा। फिर क्या हुआ? यहीं पर पड़ा रहा। एक दिन चंद्रमा नाम की ऋषि आए, चंद्रमा नाम की ऋषि आए, उन्होंने मेरी दशा देखी, उनको दया आ गई। उन्होंने कहा तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना, तो तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। हे भैया, हम वही प्रभु श्री राम जी के दूत हैं, मातेश्वरी जानकी की खोज के लिए निकले थे। हमें यहाँ से आगे जाने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, जले जल दिखाई, हमें केवल जल ही जल दिखाई पड़ रहा है समुद्र में। यदि आप इसमें हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं तो अवश्य कर दीजिए। रुक जाओ, मैं देख रहा हूँ। आप देख रहे हैं? हाँ, वो देखो। कहाँ? समुद्र के बीच में। क्या है समुद्र के बीच में? वो समुद्र के बीचों बीच बिल्कुल मिठाई की दुकान लागी है। ये जल में दुकान कहां से आ गई, वो भी मिठाई की? मछली न खाइए का। मैं यहां से देख रहा हूँ, त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है। लंका में अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी है। आ रा रा रा। क्या हुआ? उनके आसपास राक्षसियां टाल रही है। अच्छा। कौनो कौनो ले चाउमीन खा थी राक्षसियां, राक्षसियां कौनो बर्गर प्याला थी। अरे कौनो कौनो लुइया खा। तुम कह रहे हो कि समुद्र के बीच अभी त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी है, और लंका में अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे मैया जानकी है। हाँ। ये सारा वृतांत तुम देख रहे हो, हम क्यों नहीं देख पा रहे? अरे मैं देखूं तो बना क्यों? गीधई दृष्टि अपार। सत्य कहा। मैं देख सकता हूँ लेकिन तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीधों की दृष्टि अपार होती है। बूढ़े भाई नहीं कछु करते सहाय तुम्हार, आप हमारी मौखिक सहायता करें। हाँ लेकिन देखो तो सीता कैसे बेचारी
वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रो रही है, मुझको रोना देखा नहीं जा रहा, सीते मैं आउट हूं। अरे रुक जाओ, आप इतना कष्ट ना करें। तो सुनो, तुम्हारी सेना में ऐसा कोई बलशाली योद्धा हो जो वहां तक पहुंच सके तो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। आपने हमारी मौखिक सहायता की, देखिए आपके पंख भी उगने लगे। हाँ, पीका छाड़ दो, अब आप उड़ते उड़ते जाएं। हमारे प्रभु श्री राम जी इस समय प्रवर्सन गिरी पर्वत पर हैं, आप वहीं जाकर के उनके दर्शन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अस कही गरुड़ गीत जब गयु, तिनके मन अति विस्मय भयु, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय राखा। संपाति के द्वारा बताया गया, जो यह सयोजन का समुद्र पार करके लंका जाएगा वही मातेश्वरी जानकी की खोज कर सकता है। हमने अपने सभी बंदर भालुओं से पूछा तो कोई कह रहा है 10 योजन, कोई कह रहा है 20 योजन, यहाँ तक कि अंगद के द्वारा भी पूछा गया तो अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूँ लेकिन वापस आने में संशय है। तो क्या करें, क्या कोई नहीं जाएगा? लेकिन ये क्या देख रहा हूँ, इसमें महावीर बजरंगबली शांत बैठे हैं। अरे हे महावीर, यह समय शांत बैठने का नहीं है, जागो महावीर जागो। अरे आप अपनी उन शक्तियों को याद करो, अरे बाल काल में तो आपने स्वयं भगवान भास्कर का भी भक्षण किया था, पवन तने बल पवन समाना, अरे आपका बल तो आपके पिता के समान है। जागो महावीर, राम काज लगी ताव तारा, आपका जन्म तो प्रभु श्री राम काज के लिए हुआ है, श्री राम काज के लिए हुआ है, जागो। सुनते ही भयभु पर्वता का नारा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओ जामन क्या कहते हो, जाकर यह बादल पकड़ दूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं, अरे इस खारे जल की धारा को लंघू या भी ले जाऊं, जिस कृपा लंका पूरी बची उस त्रिकूट पर्वत को ही ले आऊं, सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं कर दिखाऊंगा, अपनी माता सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा, जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावई दीजो मही। शांत महावीर शांत, आप अपने क्रोध को शांत करें, हम जानते हैं आप जो यह कह रहे हैं वह सारे कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, आदेश केवल मैया जानकी की खोज के लिए हुआ है, आप लंका जाएं, मैया जानकी की खोज करें, हाँ आवश्यकता पड़े तो उस अमानी रावण को ज्यादा नहीं केवल थोड़ा सा बल अवश्य ही दिखला देना, बस महावीर इतना ही करना है। जय श्री राम। जब तक आप वापस नहीं आएंगे तब तक हम सभी बंदर भालू आपकी यहीं पर प्रतीक्षा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। उले 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 बजरंग बली जब उले 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 बजरंग बली जब उले 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 बजरंग बली जब उड़े उड़े हनुमान उड़े उड़ते ही रहे, हनुमान उड़े उड़ते ही रहे, सब देख रहे हैं खड़े ही खड़े, उड़े उड़े बजरंग बली जब उड़े 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 बजरंग बली जब उड़े उड़े या कैलाश सबन कहूँ माथा चलू हर सिंह धरी रघुनाथा, या कैलाश सबन कहूँ माथा चलू हर सिंह धरी रघुनाथा, हनुमान उड़े उड़ते ही गए, हनुमान उड़े उड़ते ही गए, सब देख रहे हैं खड़े ही खड़े, बजरंग बली जब उड़े 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 बजरंग बली जब उड़े उड़े
कोई कहा विश्राम। हनुमान उड़े उड़ते ही गए, हनुमान उड़े उड़ते ही रहे, सब देख रहे हैं खड़े ही खड़े। अहिन कै माता पठिन आई कही तेरी बाता। सुरसा नाम अहिन कै माता, अहिन कै माता सुरसा नाम अहिन कै माता, नाम अहिन कै माता सुरसा नाम अहिन कै माता पठिन आई कही सब बाता। अपनी छुदा शांत करूंगी। ए बनरी के बच्चे कहां जा रहा मैं? इस आवाज को सुनकर के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह किसी नारी की आवाज है। अगर मैं इस नारी को मां शब्द से संबोधित कर दूं तो हो सकता है कि ये मुझे जाने दे। हे मैया, मैं प्रभु श्री राम के कार्य के लिए निकला हूँ। राम काजी कर फिर मैं आवाऊ, सीता कै सुध प्रभु सुनावा, तब तब बदन बैठे आई सत्य कहा मैं जान दे माई। चुप चुप चुप, बड़ा चालाक बंदर है। माता कहता है सोच रहा मैं तुझे जाने दूंगी, तू मेरा आहार है, तू मेरे मुख में आ, मेरे मुख से बच गया तो फिर आगे की ओर जाना, अन्यथा तू मेरा भोजन मानेगा। मान जाओ मैया, मैं तुझे खाऊंगी। तो फिर अपना मैं फैलाओ, मैं आपके महमे आने के लिए तैयार हूँ। जय श्री राम। पवन सुत पति ओ जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दास तून कपि रूप दिखावा, सत जो चल तैया नल की ना अति लग रूप पवन सुत लीला। बदन बैठी पुनि पाहे आवा, मांगा विदा मैया। अब मैं आपके उधर से होकर के बाहर आ गया, अब आप मुझे आज्ञा प्रदान करें कि मैं अपने प्रभु श्री राम का कार्य सफलता पूर्वक कर सकूं। हे तात हनुमान जी, मैं सर्पों की मां सुरसा हूं, देवताओं ने आपकी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, आप मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जाएं प्रभु श्री राम जी के कार्य को आप पूर्ण करें। ओ तहा जाई देखी बन शोभा, कुंजत चल चरित मधु लोभा, कान तरु फल फूल सुहाए, खगमग द्वंद देखि मन भा, शैल विशाल देखि अज्ञाने, कापर धाई चढ़ऊ बैताने, गिरि परि चढ़ि लंका तिहि देखि, कहीं न जाई अति दुर्ग बिसेखि, पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन विचार, अति लग रूप धरो निशि नगर करो पैसा, पतक समान रूप कपि धरी लंकै चले सुमिर नर हरि, नाम लंकनी एक निशरी, सो कहा चलसी मोहि निर्दरी। मैं लंका की राक्षसी हूं, मेरा नाम लंकनी है और मेरा यह कर्तव्य है कि मैं लंका की रक्षा करूं, परंतु मैं क्या देख रही हूं, ये छोटा सा लाल लाल टमाटर जैसा बंदर
छोटा सा रूप रख के लंका में आना चाहता है। मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। खाने की बात कर रही है, अगर खाना है तो जा अपने स्वामी को खा पहले, क्योंकि उससे बड़ा चोर इस संसार में ना कोई हुआ है ना होगा। ना बोल रहा जानत नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लग छोरा। बार बार मरने के अभ्यास के सावधान हो जा। मुडिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धन मनी, पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पान कर विनय ससंका। हे दाथन मान, मैं जान गई कि लंका का विनाश अब निकट ही है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझको वर दिया था, जब रावण को वर दिया था तब मुझको भी वर दिया था। मैंने कहा हे भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा, उन्होंने कहा जब तुम किसी बंदर के द्वारा परास्त हो जाओगी तो समझ लेना लंका का विनाश होने वाला है। हे ताथनमान मुझको आज्ञा दीजिए। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, अति लग रूप धरेऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना, कयउ दसानन मंत्र माही, अति विचित्र कई जात सुनाही, रामा हो कयउ दसानन मंदिर माही, ओ भवन एक पुनि तीखा सुहावा, हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। इस भवन को देख करके मैं विचार करने लगा कि मैंने सारी लंका में माता सीता को खोजा, लेकिन माता सीता कहीं नहीं मिली। लेकिन फिर देखता हूं कि इसी लंका में कोई हरि भक्त है, लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा। इस लंका में साधु पुरुष का स्थान बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि मंदिर मंदिर प्रतकल सोधा, देखे जहता अग्नित जोधा, सारे राक्षस हैं, लेकिन एक भवन दिखाई दिया, उस भवन के सामने ये तुलसी का वृक्ष, भवन की दीवारों में मेरे प्रभु श्री राम का नाम, एक एक ईंट में प्रभु श्री राम का नाम अंकित है, इन दीवारों में शंख चक्र गदा, तो क्या वास्तव में इस लंका में कोई हरि हरि भक्त है। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा, राम राम श्री राम, ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन कीन्हा, ऐसन हटी करिहौं पहचानी साधु होए नकारज। विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ कर आए, जय श्री राम, करी प्रणाम पूछी कुशलाय। हे ब्राह्मण देवता, सर्वप्रथम तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं निशाचरों की नगरी लंका में अपने जीवन में प्रथम बार आपके दर्शन कर रहा हूँ। आपके सुंदर दिव्य छवि को देखता हूं तो हृदय में आपके प्रति प्रेम उमड़ रहा है, यह मन आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। आखिर आप कौन हैं? कहीं स्वयं परमात्मा तो ही नहीं रूप बदलकर मुझे दर्शन देने के लिए आ गए हो, या फिर परमात्मा के कोई विशेष सेवक? आप हैं कौन? मैंने अपने जीवन में आज जो
हृदय में सुख अनुभूत कर रहा हूँ, ऐसा जीवन में कभी नहीं किया। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, अपना परिचय प्रदान करवावे। कि तुम्हें हरिदा कि तुम्हें हरिदा सनमा कोई मेरे पिप्र सुनो कि तुम्हें हरिदा सनमा कोई मेरे पिप्र सुनो राम दीन अनुरागी करन आए मोहे बड़ भागी। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, अपना परिचय मुझे बतावे। हे तात, मैं प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सेवक हनुमान हूं। मैं यहां अपनी माता सीता की खोज के लिए आया था। मैंने सारी लंका में माता सीता को खोजा, लेकिन माता सीता मुझे कहीं नहीं मिली। फिर मुझे आपका यह भवन दिखाई दिया। मैंने विचार किया कि श्रीलंका में राक्षस रहते हैं, लेकिन साधु पुरुष। आज आपके दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया। लेकिन मैं विचार कर रहा हूं कि आप इन राक्षसों के बीच में किस प्रकार से रहते हैं। अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, काटो से भरे करीलों में मलिया गिर का चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम पोषण करते हो। आप कौन हैं, आप इन राक्षसों के बीच में रहकर के प्रभु श्री राम का भजन किस प्रकार से कर रहे हैं। जीवन धन्य हो गया आज आपके केवल दर्शन मात्र से। अब भरोस मोहि भा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जिस पर परमात्मा की कृपा नहीं होती, उसे संतों के दर्शन नहीं होते, और जिसे संतों के दर्शन नहीं होते उसके जीवन के पापों का विनाश नहीं होता। क्योंकि संत दर्श जिम पातक ठरे, संतों के दर्शन मात्र से पापों का विनाश हो जाता है। हे सरू हनुमान जी, आपने पूछा आप किस प्रकार से रहते हैं, कैसे भगवान का भजन करते हैं। श्री हनुमान जी, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मन ही मन भगवान के नाम का स्मरण करता हूँ, लेकिन हृदय में सभीत रहता हूँ कि कहीं यह निशाचर मेरे शरीर को कष्ट ना पहुंचावे। बस वो भक्ति तो कर रहा हूँ, लेकिन भक्ति स्वतंत्र नहीं है तो सुख प्रदान नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सुख वहीं पर मिलता है जहाँ पर भक्ति स्वतंत्र होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग ना पावे प्राणी। मैं रहते कैसा हूँ ये आप श्रवण करें। मुख से भगवान का नाम निकलता है, नेत्रों में जल भराते हैं। बड़ी विलक्षण कहानी है श्री हनुमान जी। रसना राघो राघो कहीं कहीं रही रही जाए, नयन तरैया भर भर आए, तरैया भर भर आए। रसना राघो राघो कहीं कहीं रही रही जाए, नयन तरैया भर भर आए। Thank you.
बहन हमारी चिबू दस नन बह चिबू बिचारी चिबू दस नन बह चिबू दस नन बह चिबू बिचारी चिबू दस नन बह चिबू बिचारी ये रसना राघो राघो ये रसना राघो राघो कहीं कहीं रही रही जाए नयन तरैया भर भर आवे नयन तरैया भर भर आवे कबहू की मोही प्रभु जाने अनाथा करी है कृपा भानुकुल नाथा। हे हनुमान जी क्या परमात्मा कभी मुझे अनाथ जानकर अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर भी करेंगे? क्या मुझे भी उनकी सेवा का अवसर मिलेगा? हे तात आप किस प्रकार की बातें कर रहे सुना हूं विभीषण प्रभु कह रीति करहिं सदा सेवक पर प्रीति। ये तो प्रभु अपने सेवक पर सदा ही प्रीत किया करते हैं। आप मुझे देख रहे हैं प्रातले जो नाम हमारा तही दिनता है न मिले यहारा। हम लोगों का जो प्रातःकाल नाम ले लेता है उसे भोजन भी प्राप्त नहीं होता। जब प्रभु ने हम पर कृपा की तो आप तो हरि भक्त हैं, आप तो किसी भी प्रकार की चिंता न करें। प्रभु आप पर भी वैसे ही कृपा करेंगे जैसे हम पे किए हैं। अब मैं माता श्री जानकी जी का आपसे पता पूछ रहा हूँ, यदि कुछ भी आप जानते हों तो आप मुझे बतलाएं। हे तात मुह की बत्तीसी जब टूट फूट गिर जाएगी जिभ्या जीवन भर रहकर ये राम नाम गुन गाएगी। धन्य विभीषण धन्य तुम धन्य तुम्हारा प्रेम और धन्य तुम्हारी धारणा और धन्य तुम्हारा। हनुमान जी आप कह रहे हैं देखन चाहो जानकी माता, पूछ रहे हैं कुछ जानते हो? मैं तो सब कुछ जानता हूं। लंका में ही एक अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे माता श्री जानकी जी बैठी है, हाथ में तिनका लिए है, नजरें भूम की ओर है, मुख से भगवान के नाम का स्मरण कर रही है। जाकर दर्शन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। मैं समय समय पर आपकी सेवा सहायता करता रहूं। जय श्री राम। जय श्री राम। करि सोई रूप गयउ पुनीता हवा बने अशोक सीता रह जावा बने अशोक सीता रह जावा। देखि मनै मऊ कीनि प्रणाम बैठि बीत जात निज जावा। कृषि तन शीस जटाय बेली जपति हृदय रघुपति गुण से करु पल्लव मऊरा लुकाई करे विचार करो का भाई। तेही अवसर रावण तहा आबा